नेहा शर्मा नाम तो सुना ही होगा, एक्ट्रेस और मॉडल, खूबसूरत, ग्लैमरस और टैलेंटेड। हाल ही में मुबारका में अर्जुन कपूर के ऑपोजिट रोल में दिखी नेहा बिहार के भागलपुर की रहने वाली हैं। नेहा के पिता अजीत शर्मा भागलपुर से कांग्रेस के विधायक हैं। 21 नवंबर 1987 को जन्मी नेहा के शुरुआती दिन भागलपुर में ही बीते। प्रारंभिक शिक्षा भागलपुर के माउंट कार्मेल स्कूल से हुई। इसके बाद नेहा ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली से ग्रेजुएशन पूरा किया। नेहा बचपन से ही फैशन और मॉडलिंग की दुनिया में जाना चाहती थी, वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। उन्हें ब्रेक मिला तेलुगु फिल्म चिरुथा से। नेहा की बॉलीवुड एंट्री 2010 में हुई, जब उन्हें मोहित सूरी की फिल्म क्रूक में काम मिला। इसमें उनके ऑपोजिट इमरान हाशमी थे। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई, पर इसमें नेहा शर्मा के काम को सबने सराहा। इसके बाद नेहा ने तेरी मेरी कहानी, क्या सुपर कूल है हम, जयंती भाई की लव स्टोरी, यंगिस्तान, हेरा फेरी 3 और मुबारका जैसे फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा और लोहा मनवाया। तेरी मेरी कहानी में नेहा ने शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसे कलाकारों के साथ काम किया है, तो क्या सुपर कूल है हम में वो तुषार कपूर के अपोजिट हैं। इस फिल्म में रितेश देशमुख और अनुपम खेर जैसे चोटी के कलाकारों ने भी काम किया है। जयंती भाई की लव स्टोरी में नेहा ने लीड रोल निभाया है। हेरा फेरी 3 में नेहा जॉन अब्राहम के साथ दिखती हैं, तो हाल ही में रिलीज हुई मुबारका में उन्होंने अनिल कपूर और अर्जुन कपूर के साथ काम किया। मुबारका में नेहा की अदाकारी को काफी पसंद किया गया, जिसमें उन्होंने नफीसा का किरदार निभाया। नेहा शर्मा जापान की कॉस्मेटिक कंपनी स्पॉवेक की भी ब्रांड एम्बेसडर है। स्पॉवेक एक वैश्विक कॉस्मेटिक कंपनी है जो समुद्री अवयवों से महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाती है। नेहा स्पॉवेक के 16 उत्पादों के लिए ऐड करती हैं। माया नगरी मुंबई में रहने के बावजूद भी नेहा अपनी जन्मभूमि पर आती रहती हैं। हाल ही में जब उनके पिता भागलपुर से चुनाव लड़ रहे थे, तो नेहा ने खूब दमखम से प्रचार किया था, रोड शो किया, जनसभाएं की, जिसमें उन्होंने खुद को बिहार और भागलपुर की बेटी बताया। नेहा के स्टारडम ने उनके प्रति आकर्षण पैदा किया। नेहा अपने सफल फिल्मी करियर के बारे में कहती हैं कि मेरे जैसी लड़की जो एक छोटे शहर की पृष्ठभूमि से आती थी, उसके लिए बॉलीवुड का सफर इतना आसान नहीं था, फिर भी मैंने संघर्ष और मेहनत का रास्ता अख्तियार किया और आज यहाँ तक पहुँची हूँ। नेहा शर्मा ने जिस अदाकारी से बॉलीवुड में अपना परचम लहराया है, निश्चित तौर पर ही वो बिहार जैसे राज्य के युवाओं के लिए किसी रोल मॉडल से कम नहीं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें, और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.news को विजिट करें। शुक्रिया।